जिसका काम है मरीजों का इलाज करना, इलाज के लिए अच्छी व्यवस्थाएं देना। लेकिन इन दिनों दमोह के जिला अस्पताल में सही इलाज तो दूर की बात है, वहां के उचित व्यवस्थाएं भी नहीं है। दरअसल दामोतीपुरा की रहने वाली एक किशोरी की पेड़ से गिर गई, इलाज के लिए उसे अस्पताल लाया गया था जहां उसकी मौत हो गई। मौत के बाद पूरी रात किशोरी के शव को बर्फ की सिल्ली पर रखा गया। बताया जा रहा है कि अस्पताल में फ्रीजर उपलब्ध नहीं था। जब प्रबंधन से इस मामले पर बात हुई तो उनका कहना है कि अस्पताल में एक फ्रीजर है जिसकी वजह से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। ये पूरा मामला दमोह के हटा सिविल अस्पताल का बताया जा रहा है। अस्पताल में कोई सुविधा नहीं मिली। कितनी बजे आए थे हटा? 5 बजे आ गए थे। फिर कहना तो अपने बर्फ ले आओ, जो कुछ पानी यानी तो हमें खुद बेचता तो हमने खुद कर लियो, और कोई सुविधा मिली नहीं है। हनी ट्रैप की हैरान करने वाली वारदात है ये, जिसका शिकार हुए एडिशनल कलेक्टर आरोपी की उनसे 2 करोड़ रुपए की डिमांड की गई थी। आरोपी आखिर कौन कर रहा था ये ब्लैकमेल? आरोपी महिला का जब रिकॉर्ड खंगाला गया तो हुआ हैरान करने वाला खुलासा। देखिए, कभी केस में फंसाने की धमकी, कभी बदनामी का दिखाया डर। हनी ट्रैप, 2 करोड़ की डिमांड। उसके निशाने पर एडिशनल कलेक्टर, 32 मामले, एक ही कहानी। सलाखों में लेडी ब्लैकमेलर। युवागी अपने आप को पत्रकार बताती है और ये लास्ट ईयर से ब्लैकमेल कर रही है, अड़ीबाजी कर रही है, ऑफिस में आके बदतमीजी कर रही है। लास्ट ईयर फिर मैंने इसके खिलाफ़ शिकायत की थाने में, हबीबगंज थाने में शिकायत की कि ये इस तरह से आगे ऑफिस में बदतमीजी करती है। तो वो उससे फिर वो मेरे पीछे पड़ गई, मेरी झूठी शिकायतें करना शुरू कर दिया उसने। तो सुना ना आपने हनी ट्रैप की हैरान करने वाली इस कहानी को, इल्जाम की लेडी ब्लैकमेलर के निशाने पर एडिशनल कलेक्टर थे। आरोप की रीवा की रहने वाली एक महिला जो खुद को पत्रकार बताती है, वो 1 साल से एडिशनल कलेक्टर को परेशान कर रही थी। कभी अड़ीबाजी, कभी ऑफिस में आकर हंगामा, तो कभी ब्लैकमेल करना। सुनिए इन आरोपों को। वो कह रही कि मेरे साथ मुझे 2 करोड़ दिलवा जाए, मेरा इन्हें शोषण किया है। मेरी उस महिला से कभी कोई बात नहीं हुई, ना कभी फोन पे बात हुई, ना कभी SMS से कोई बात हुई। 1 साल पहले एडिशनल कलेक्टर ने महिला के खिलाफ हबीबगंज थाने में मामला दर्ज कराया। आरोप की ये बात पता चलते ही महिला ने झूठी शिकायतें दर्ज कराना शुरू कर दिया, एडिशनल कलेक्टर पर झूठे आरोप लगाए। यही नहीं, इल्जाम की ब्लैकमेल कर 2 करोड़ रुपए भी मांगे। आरोप लगाते हुए 2 करोड़ रुपए की मांग की गई, इस तरह की शिकायत दर्ज की गई, जिस पर हमने जो आरोपी महिला उस अपराध में 389 अपराध में गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने आरोपी महिला का रिकॉर्ड खंगाला तो 32 परिवार की कहानी सामने आई। महिला ने 32 परिवार कोर्ट में दायर किए थे। सभी में एक ही बात थी, एक जैसे आरोप, जिसमें सबूत नहीं मिलने पर सारे परिवार खारिज कर दिए गए। ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि पहले भी जो महिला का आचरण बड़ा संदिग्ध रहा है, लगभग 5 शिकायतें इन्होंने जिला अपराध महिला शाखा जो होती है रीवा में, वहाँ पर उन्होंने कराया, जिसको नस्तीबद्ध भी किया गया क्योंकि ऐसे कोई साक्ष्य मिले नहीं जो कि झूठे प्रतीत होते हैं। इसी तरह से लगभग 32 लोगों के खिलाफ माननीय न्यायालय रीवा में इन्होंने परिवाद लगाया था, सेम ही शारीरिक शोषण और ये छेड़खानी का, वो भी न्यायालय ने उसको निरस्त कर दिया था। 5 और मामले थे, उसमें भी सबूत नहीं मिले। ये फरियादी के संपर्क में वहाँ पे कुछ सामाजिक सेवा करती है, तो उस हिसाब से इसका कुछ रहा होगा। आरोपी महिला गिरफ्तार हो चुकी है, मामले की जांच जारी है। भोपाल में वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, News 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब आपको दिखाते हैं लूट की एक वारदात। सिंगरौली में लुटेरों ने दिन दहाड़े एक शख्स को लूटने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भागना पड़ा। क्यों, आइए देखते हैं।
सड़क से गुजरती स्कूटी से बाइक टकराती है। स्कूटी और बाइक सवार लोग जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन ये कोई हादसा नहीं, लूट की कोशिश है। सिंगरौली के बैठन में लुटेरे दिन दहाड़े एक शख्स को लूटने की कोशिश करते हैं। वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि तीन बदमाश किस तरह स्कूटी सवार राम कुमार शुक्ला नाम के शख्स को टक्कर मार कर गिरा देते हैं और उसके हाथ से रुपयों से भरा बैग छीनने की कोशिश करते हैं। बदमाशों ने चाकू से कई बार किए, लेकिन इस शख्स ने बैग नहीं छोड़ा। तो आराम से उसने सारे वारदात को बड़े अच्छे से बयान भी किया, उससे भी हमें काफ़ी लीड मिली। तो जस्ट एक तुरंत हमने फिर इन आरोपियों को जो है राउंड अप किया। एक लूट की घटना इसने 3 जून की रात में की और एक इसने 27-28 मई को भी की थी। तो वो दोनों लूट के भी जो विक्टिम थे उनको बुला करके तत्काल FIR दर्ज करके हमने आगे की जाँच शुरू कर दी। नेहा इंटरप्राइजेस नाम की कंपनी के मुनीम राम कुमार शुक्ला लुटेरों से भिड़ गए। हंगामा होने पर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद लुटेरे भाग खड़े हुए। बाद में पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने तीनों आरोपियों सलमान खान, बबलू भाट और रोहित भाट को गिरफ्तार कर लिया। तीनों आदतन अपराधी हैं, जो पिछले महीने सजा काट कर जेल से छूटे थे और अब एक बार फिर वो सलाखों के पीछे हैं। हरीश द्विवेदी, News18, सिंगरौली। एक माँ अपनी गोदी में लाडले की लाश लेकर घूम रही है, जो रो रो कर सवाल कर रही है आखिर उसके मासूम बच्चे का कसूर क्या था। रेलवे स्टेशन पर 2.5 महीने के बच्चे की हत्या कर दी गई। सीसीटीवी में एक संदिग्ध शख्स कैद भी हुआ है। सीसीटीवी फुटेज चेक कराए गए, जिसमें एक व्यक्ति जो काले रंग का कुर्ता एवं केसरिया रंग की धोती पहना हुआ है, उसकी तलाश की जा रही है। मासूम की मौत का गुनहगार कौन? माँ की गोद में लाडला कातिल कौन? रेलवे स्टेशन पर बच्चे की हत्या। सीसीटीवी में कैद गुनाह का राज। मासूम के साथ किसने की पिटाई? वो कौन था? ये दर्दनाक दास्तां है लेखराम और उसके परिवार की। लेखराम पत्नी राम सखी के साथ अपने 2.5 महीने के मासूम बच्चे शिवम के साथ दमोह रेलवे स्टेशन पर उतरा, लेकिन यहाँ उसकी दुनिया ही उजड़ गई। जिस माँ की गोद में उसका लाडला था, उसी गोद में बच्चे की लाश लेकर माँ घूमती रही। आरोप की बच्चे की पिटाई करके हत्या कर दी गई। घर वालों ने जो संगीन इल्जाम लगाया है वो सुनिए। पीड़ित परिवार के मुताबिक दिल्ली से दमोह बीमार बच्चे के इलाज के लिए आए थे। दमोह के मर्यादों के घोगरा गांव वापस लौट रहा था परिवार, लेकिन आरोप की स्टेशन पर कुछ ऐसा हुआ कि मासूम बच्चे की एक शख्स ने पिटाई कर दी, उसके बाद बच्चे ने दम तोड़ दिया। स्टेशन में उतरे तो हमने वहां पे बैठे मेन गेट पर, पानी पिला रहे थे बच्चे को, गला सूख गया था तो पता नहीं वो किसने आया, उसमें पानी पिला रहा है तो अचानक उसने मारा है, हमको मारा है, हमारे पति को मारा है। सुबह करीब 5 से 6 बजे का वक्त था। सीसीटीवी फुटेज पर गौर करें, 4:54 हो रहे हैं। इस वक्त स्टेशन के गेट पर ही मुसाफिर नजर आ रहे हैं। तभी कुछ ऐसा हुआ कि यात्री सौर देखने लगे। आरोप की यहाँ महिला अपने बच्चे के साथ थी। इल्जाम की एक शख्स ने उसके साथ मारपीट की और उसके बाद बच्चे को भी मारा। हमारा पति यहाँ थोड़ी दूर बैठा था तो बोल रहा था कि क्यों मार रहा है, उसाई को मारने लगा है, फिर वो भाग गया है, फिर उसने मारा। जब महिला के पति ने कुछ कहा तो इल्जाम की उसे भी पीटा। यहाँ दूर लगाया मैंने फोन, इतने में कोई आदमी आया, छोटे से बच्चे को मारने लगा, 3-4 लपाड़ा उसको मारा, और उसको भी मेरी बीवी को भी मारा, मैं बचाने का मेरे को भी मारा, मेरे को कुछ मारने नहीं मिला, जल्दी उठाया ईंट मीट, जल्दी भाग गया।
इधर सीसीटीवी में तेजी से जा रहे शख्स को पुलिस संदिग्ध मान रही है। पुलिस वालों की माने तो संदिग्ध शख्स धोती कुर्ता पहने हुआ था, जिसकी तलाश जारी है। सीसीटीवी फुटेज चेक कराए गए, जिसमें एक व्यक्ति जो काले रंग का कुर्ता एवं केसरिया रंग की धोती पहना हुआ है, उसकी तलाश की जा रही है। आखिर सीसीटीवी में दिख रहा ये शख्स कौन है? बच्चे के साथ इसने मारपीट क्यों की? पीड़ित परिवार की माने तो ना तो वो इस शख्स को पहले से जानते थे, ना ही कोई विवाद हुआ था। कुछ नहीं, मैं तो पहचानता नहीं उसको, कौन है आदमी, कौन नहीं। आखिर मासूम की मौत का गुनहगार कौन? इन आरोपों का सच क्या? दमोह में आशीष जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ ही यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।